देव उठनी एकादशी पर तुलसी जो कि भगवान विष्णु को अति प्रिय होती है, इसलिए इस दिन तुलसी का शालिग्राम के साथ विवाह संपन्न हुआ था। शालिग्राम शिला को भगवान विष्णु का ही रूप माना जाता है। तुलसी अति पवित्र मानी गई है। सनातन धर्म में एकादशी व्रत को सभी व्रतों में श्रेष्ठ बताया गया है। प्रत्येक माह दोनों पक्षों कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को एकादशी का कहा जाता है और एकादशी व्रत किया जाता है। हर एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित होती है। विशेष रूप से कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवोत्थान या देव उठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु 4 माह की योग निद्रा से जाग जाएंगे और इसके साथ साथ में पुनः सृष्टि का संचालन संभालेंगे और ऐसे में भगवान विष्णु का षोडशोपचार विधि से पूजन आरंभ होता है और चतुर्मास समाप्त हो जाते हैं। इसी के साथ ही सभी प्रकार के मांगलिक कार्य भी आरंभ हो जाएंगे। देवोत्थान एकादशी का वर्णन स्कंद पुराण और महाभारत में भी है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार धर्मराज युधिष्ठिर द्वारा सर्वश्रेष्ठ एकादशी और उसके महत्व के प्रश्न के ऊपर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बताया था कि वैसे तो सभी एकादशी महत्व रखती है, परंतु चातुर्मास के बाद में जो श्रीहरि जागृत अवस्था में आने के बाद एक बार पुनः ब्रह्मांड का कार्य संभालते हैं वह सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानी गई है। और इसी के साथ ही भगवान विष्णु के व्रत और पूजा करने से साधक की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं और विशेष रूप से भगवान का नारायण मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए और भगवान विष्णु के मंत्र का 1,25,000 जप बड़ा ही शुभ फलदायी होता है और कार्तिक मास में एकादशी पर इस मंत्र का जप आरंभ करने से व्यक्ति हर प्रकार के सुख समृद्धि हासिल कर सकता है। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जप कार्तिक मास में आरंभ करें और नित्य प्रतिदिन स्वेच्छा के अनुसार इसकी 5, 11, 21 या 51 माला का अनुष्ठान किया जाता है और कम से कम 21 दिन तक लगातार मंत्रोच्चारण व्यक्ति करता रहे और निश्चित रूप से उस व्यक्ति को हर प्रकार से सफलता प्राप्त होती है, उसके जीवन में आ रही बाधाएं दूर होती है और हर प्रकार के सुख वैभव वो व्यक्ति प्राप्त कर लेता है, इसमें संदेह नहीं है। धन्यवाद।